गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे और मेरे प्रयास की भी प्रशंसा करेंगे। टॉपिक है जिग्सो पजल। जिग्सो पजल है क्या? तो हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, उनको अगर उनकी बातें देखते हैं हम तो उसमें बॉटम लाइन ये आएगा, इट्स ऑल अबाउट आई मी एंड माई सेल्फ, है ना। ऐसी विचारधारा को जिग्सो पजल है ना। अब ये क्या है, इसे साइकोलॉजिकली समझना है तो हम इसको कैसे समझेंगे। हमने हमारे आसपास बहुत से पति को या पत्नी को अपने लाइफ पार्टनर से कहते हुए सुना हो कि तुम्हें मेरा पूरा ख्याल रखना है, है ना, पूरा, पर ऐसी अपेक्षा मुझसे मत रखना। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ऐसा कहता है, अपेक्षा मत रखना और ख्याल पूरा रखना। घर में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हर काम मुझे आता है, सब ज्ञान है मुझे, पर एक भी काम नहीं करूंगा मैं, है ना। दोस्तों में से भी ऐसे बहुत से लोग हमें देखने मिलते हैं, बाहर तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा दोस्त कह रहा, पर तुम जो खाना खा रहे हो वही मैं खाऊं ऐसा सोचना मत। तुम्हें जहां जहां जाना है मैं भी तुम्हारे साथ साथ आऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी रुचि का खाना खाऊंगा, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, मगर मुझे प्राइवेसी पसंद है और इतना सा भी दखल नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो इसमें हस्तक्षेप मत करना। बहुत से दोस्तों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि मैं मनोज सर मैं आजीवन कवारा ही रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तभी शादी करूंगा जब मेरी मर्जी की, मेरी लाइफ पार्टनर मेरी। तो ये मैं, मेरा, मुझे, इसके अलावा इनके पास कोई और बात नहीं होती है। कभी कभी ये लोग ऐसा करते हैं कि उसे फुल वॉल्यूम वाला म्यूजिक चाहिए, फुल वॉल्यूम में सुनेंगे। तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम कहीं और जा सकते हो, मुझे पसंद है मैं फुल वॉल्यूम से सुनूंगा। ऐसा जो कैरेक्टर्स हमारे आसपास होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, जिग्सो पजल, है ना। अब इसका ये कौन से क्षेत्र में आता है या ये है क्या चीज, अगर हमें हमारे आसपास ऐसे लोग है तो हमें क्या कैसे समझना है उनको। अब बहुत से लोग उसको प्रथम दृष्टि से बहुत शक्तिशाली मानसिकता समझते कि ये है बढ़िया चीज, ये व्यक्ति जो है वो किसी और की दखल अंदाजी सहन नहीं कर सकता और वो अपनी मनपसंद चीजें ही करता। अच्छी भी बात लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, और वो किसी भी व्यक्ति को अपने चुनाव में, अपने लाइफ में छोटी मोटी जो भी चुनाव करना है उसे किसी की दखल अंदाजी सहन नहीं कर सकता। अच्छी बात, बुरी बात है। देखो ये एक क्षेत्र तक अच्छी बात है, जैसे कि मुझे नहाना है तो क्या साबुन कौन सा, मैं वहां पूरा फ्री हूं। मुझे गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से, आई एम फ्री टू डिसाइड दैट। देयर इज अ होल किंगडम, ऐसा एक पूरा राज्य है वेयर आई एम ओनली द किंग। जैसे मैं उसके बाहर कदम रखता हूं मेरी एक्शन जो है वो दूसरे लोगों की फ्रीडम के साथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। मैं कोई भी, मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, मैं एक राज्य का, मैं एक देश का नागरिक हूं, और कभी कभी हम उस फ्रीडम किंगडम से बाहर निकलते जैसे ही बाहर कदम रखते हैं
मेरा कोई भी काम है उससे अन्य लोग प्रभावित होते है ना, तो उस समय पर मैं पूरा फ्री नहीं हूं। उस समय पे फ्रीडम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और फ्रीडम का सही मजा वही है। जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर का शासन था और अपनी मजबूत राष्ट्रीय विचारधारा के लिए आज भी हिटलर जाना जाता है। हिटलर ने जर्मनी के आसपास के छोटे मोटे देशों को कब्जा कर लिया था और वहां पर यातनाएं देता। फिर क्या हुआ? फिर समय का पहिया था, वो धीमे धीमे घूमने लगा और एक समय ऐसा आया कि हिटलर की जो मजबूती थी वो कमजोरी में बदल गई। एक दो छोटे मोटे देश आजाद हो गए। एक लेडी थी, उसने आजादी का, फ्रीडम का मतलब क्या निकाला। परेशान थी, आजादी मिल गई और हर जगह खुशी मना रहे थे लोग। महिला भी स्वतंत्र हो गई, वो भी खुशी मना रही थी और वो खुशी में, सेलिब्रेशन में काफी कुछ पी चुकी थी और पीने के बाद एक हाथ में बोतल और बीच रास्ते में शी वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स बिकॉज शी वॉज सो ड्रंक, शी वॉज सो इन द मूड ऑफ द फ्रीडम दैट सी थॉट सी कुड डू वॉट एवर सी लाइक। इफ सी लाइक टू वॉक इन द मिडल ऑफ शी इज फ्री, इफ सी लाइक टू ड्रिंक मोर एंड मोर शी इज फ्री। What she meant about freedom? What happened? The people going on the vehicle, they were disturbed by her action. Few of people explained her, "Ma'am, this is not the way. You are free, but freedom doesn't allow you to walk in the middle of the road." But she was drunk, and she didn't understand what other people wanted to say. These were the scenes in that free country in the beginning though. So everybody who wanted to go somewhere else, they wouldn't go to what, where they want to go. And this was the chaos. It doesn't mean freedom. Freedom allows everybody to live peacefully. This is what the freedom, what I know, right? फ्रीडम एक अलग चीज है, इसको हम छोटे से सेंस में नहीं बांध सकते। फिर एक यंग बच्चा आया एंड सी एंड ही एक्सप्लेन हर व्हाट फ्रीडम मींस। मैम, योर एक्शन शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद अदर पीपल्स फ्रीडम, दे आर आल्सो फ्री, यू शुड नॉट कैच और यू शुड नॉट फ्रीज देयर right to live peacefully with freedom. You are not doing so. And then that lady understood what the exact meaning of freedom is. है ना? तो ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, उनको भी समझना चाहिए कि निश्चित क्षेत्र था वो अपना, अपने राज्य में खुद राजा है, पर जैसे उसके बाहर पैर रखते हैं हम एक परिवार का हिस्सा है। हमारे काम से, हमारे चुनाव से, हमारे दोस्त या हमारे भाई, हम हमारी बहन भाभी कोई भी, वो उससे प्रभावित होते हैं, है ना? अगर एक नागरिक के तौर पर मैं कुछ कहता हूं तो मेरे देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है और मेरे देश के लोग उससे हार्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो मुझे वो सोचना पड़ेगा, है ना? तो दोस्तों, जिग्सो पजल वाले को हम समझा नहीं सकते, मगर हम कुछ आचरण ऐसा कर सकते हैं जिससे वो वास्तव में व्हाट इज रियल फ्रीडम दे कम टू। आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव लाइक माय थॉट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव लाइक्ड माय एफर्ट्स, Please like, share and subscribe my channel. Thank you.